रीवा शहर में जिसकी जो मर्जी होगी वही करेगा, ना कोई रोकने वाला ना कोई टोकने वाला। सड़क बिजली पानी की समस्या से लोग हो रहे परेशान। मैं चाहे यह करूं मैं चाहे वह करूं, मेरी मर्जी। जी हाँ, आपने यह गाना तो जरूर सुना होगा, अगर नहीं सुना तो याद करिए, एक बार सुनिए, फिर निकलिए रीवा शहर की सैर करने। शायद गीत लिखने वाले ने रीवा शहर को देखकर यह गीत लिखा होगा। रीवा शहर में अपने मनचाहे चहेते ठेकेदारों को काम दे दिया गया। पावर मिलते ही ठेकेदारों ने अपनी मर्जी चलाना प्रारंभ कर दी। फिर चाहे वह रीवा शहर की सड़क हो या फिर नाली की समस्या, सीवर पाइपलाइन वालों ने सड़क खोद दी, उसे उसको रिपेयर करने की याद नहीं आई। इन सब की बातें फिर कभी। आइए आज आपको लेकर चलते हैं स्टेडियम से नीम चौराहे की ओर जाने वाली सड़क की ओर और दिखाते हैं वहाँ का नज़ारा। हमारे कुछ बोलने के पहले ही आप समझ जाएंगे यह किसी रसूखदार व्यक्ति का है काम है। हमें नहीं मालूम वह कौन है, हम तो केवल इतना जानते हैं सड़क को जिस तरीके से बर्बाद करने की कोशिश की गई वह कोई सामान्य आदमी नहीं कर सकता। सड़क के दोनों ओर मिट्टी और बोल्डर डालकर सड़क को आधा कर दिया गया। अब आपकी मर्जी, आप इस सड़क से निकलें या ना निकलें, यह आपको तय करना है। ठेकेदार का काम था सड़क के चारों ओर मटेरियल डंप करना, वह उसने कर दिया। आम आदमी को इस बात से कोई मतलब नहीं, उसकी कोई सुनने वाला नहीं। जिम्मेदार लोग अपना कमीशन लेकर इस ओर नज़र ही नहीं डालते। यह तो हुआ रीवा शहर की एक सड़क का हाल। बरसात का मौसम है, आम आदमी की समस्या सबसे बड़ी समस्या सड़क बिजली पानी की है। हम आपको एक एक करके रीवा शहर की सारी सड़कों का नज़ारा जरूर दिखाएंगे। हमने बात की सड़क से निकलने वाले टू व्हीलर और फोर व्हीलर से जा रहे लोगों से, उनकी भी प्रतिक्रिया कुछ ऐसी थी, आइए आपको सुनाते हैं। भैया यहाँ पे तो बहुत सारे पत्थर पड़े हैं, क्या करें, आदमी नुकसान है नुकसान है, कभी कहीं पे एक्सीडेंट हो सकता है। ये देखिए पत्थर ये आपके सामने पड़े हुए हैं, कुछ लोग घायल भी हुए हैं कल रात। जी रात को तो हदम ही, अक्सर यहाँ यही हो रहा है, प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। देखिए आवागमन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, कभी भी दुर्घटना हो सकती है। यहाँ ITI है, यहाँ सारे कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय जाने का रास्ता है, और ये अगर नगर निगम प्रशासन को कार्रवाई नहीं करता तो किसी भी समय कोई दुर्घटना घट सकती है। कल रात में कई लोग गिरे हैं, चोटें आई हैं। बिल्कुल हो सकता है, कभी भी हो सकता है, बारिश इतनी जोर से शुरू हो गई है, इसकी सारी चिंता प्रशासन को करना चाहिए, क्योंकि प्रशासन की भी ढिलाई चल रही है, सख्ती से कार्रवाई से पालन करना चाहिए। क्या हो गया?